हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हंग्री टीम 90। फिर से सेकंड राइड पे आ चुके हैं। अभी ये हेलमेट से बाल ख़राब हो जाते हैं। पहले कोई सोल्यूशन बता दूं मुझे कि हेलमेट से बाल कैसे ख़राब नहीं होते हैं, कैसे इनको ठीक किया जाए। बाकी पिछली वाली राइड का एक ब्लॉग जो पड़ा था, आपने अगर देखा हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में जाके, पिन किया हुआ है मैंने उसका लिंक, आप जाके ज़रूर देखना। और आज हम जा रहे हैं सेकंड राइड पे, यहीं नकटिया से पहले निकल जाए। नकटिया से सिटी राइड करते हुए और 15 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे और पहुंचेंगे रामपुर। वहां का जो फेमस ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट है यूपी 22 वेज ढाबा, वहां तक हम लोग जाएंगे और राइड करेंगे बढ़िया वाली। आप लोग को पूरी क्लिप दिखाऊंगा बढ़िया से। और इस कंसेप्ट के लिए भी कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो है सब कर लो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया सीरीज चल रही है, आपको मज़ा आ जाएगा सच में। पूरे साल में एक भी दिन विदाउट स्किप रोज़ कंटेंट डल रहा है, रोज़ नया खाना दिखा रहा हूँ मैं, आप उस चीज़ को ज़रूर दिखाना। और आज की राइड करते हैं बढ़िया वाली, चलो। पिछली बार से आज बजट बढ़ गया है भैया का। ओरियो आ गए हैं, ओरियो मिला है, जलवा है हमारा, पिछली बार से ज्यादा बजट है। जैसा कलेक्शन हो रहा है, हाँ भाई ये ऐसे सब नहीं, ऐसे ही बताना होता है। जैसा कलेक्शन हो रहा है वैसा लगाने का है कि नहीं है। अगली बार और अच्छा होगा तो और बढ़िया मिलेगा, अगली बार तो देखते हैं। सो बस निकलने वाले हैं अभी, बस 5 से 10 मिनट में। और ये देखो, ये शुरू हो गई है अभी, हम अपना काम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग करते हैं। आज पिछली बार चिप्स कुरकुरे से शुरू कर रही थी, आज ओरियो से शुरू कर रहे हैं। या मुझे अभी भी नहीं पसंद आ रहा है, कब कब आएगा मुझे ओरियो पसंद। जब पहला वाला होल्ड लिया है हम लोगों ने गांधी उद्यान के पास में, और यहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चलता है हर साल, आपको पता ही होगा 15 अगस्त का। और झंडा ये अपना बेहतरीन भाई को गाड़ी दिखा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सही है ना बात? बिल्कुल सही बात, ये चीजें ध्यान रखें सब लोग। बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी। आपको कैसा लग रहा है इस राइड को लीड करके? बस सर हर तरीके से एक एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करती है, वही राइड करते हैं सर। मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि राइड छोटी है कि बड़ी है कि बहुत हाई क्लास है कि लो क्लास, मेरे लिए राइड राइड है। Great. और मैं अगर कुछ सीख चुका हूँ तो मेरा एक फ़र्ज बनता है कि अगर मैं राइड को लीड कर सकता हूँ तो मैं राइड को लीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सेफ्टी इज फर्स्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया से आप लीड कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आप हर चीज़ को, और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। सो अपना गांधी उद्यान के बाद हमारा जो सेकंड हॉल्ट पड़ा है वो पड़ा है फतेहगंज के टोल के पास में, और बाल बिल्कुल खराब हो गए हैं यार, ये समस्या है क्या? बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिलती है, पकौड़ी वगैरह, जो लोग यहाँ आ चुके हों जगह को पहचान लो। और यहाँ पे चाय, और चाय के साथ साथ एक ऐसा बिस्किट दिखाऊंगा जो अपनी रील में दिखा चुका हूँ,
इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि आप मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर लो और मैं आपको दिखाता हूँ इतनी बढ़िया कुकी जो बरेली में लगभग हर नॉर्मल से नमकीन वाली दुकान पे, परचून की, जनरल स्टोर पे, ज़्यादातर जगह पे बेकरी की बिस्किट इन्हीं ब्रांड की मिलेगी जो इसका नाम है किटी बेकरी। और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बढ़िया वाला। बाकी इसके लिए ना यार सब्सक्राइब करो यार, चैनल को फॉलो करते रहो और कमेंट कर दो बढ़िया सा अगर ये पसंद आया हो तो। बाकी लोगों से मिलवाता हूँ और चाय पीने के बाद उनका रिव्यू दिलवाता हूँ। गरम निकाल दीजिए आप। हाँ, थोड़ी सी प्याज वाली है ना, आलू प्याज की? प्याज की ओनली। ठीक है, प्याज बढ़िया से भैया लगा रहे हैं। देखो पकौड़ियों की खूब सारी वैरायटी है। भैया अभी एक कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सी वाली खाऊं। नहीं, आपको करना है ये तो। चाय बननी है बढ़िया वाली। और इधर देखो ब्रेड पकौड़ा तवे पे दोबारा से सेकते हुए बढ़िया तरीके से मसाला लगा के भैया दे देंगे। आपके पास पूरी वैरायटी है यहाँ पे, आप आके बन मक्खन और मैगी वगैरह ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो। बर्गर्स वगैरह भी अवेलेबल है, मैगी की पूरी वैरायटी है। आपको वैरायटी के साथ साथ लोगों के रिव्यू दिखाते हैं। भैया मज़ा आ रहा है? बढ़िया बढ़िया होते हैं। हाँ, बाल सवार के भैया बोलेंगे अब। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोलती है तू? हमारे तरफ से सबके लिए आज कुकीज़ हैं। हाँ, चाय के साथ सब खोलेंगे, सब खाएंगे। सबके रिव्यूज़ लेने बहुत ज़रूरी है। कुछ नए चेहरे हमारे साथ इस बार जुड़े हैं जो पिछली बार नहीं थे। अब से जुड़ेंगे हर बार। देखिए जुबान दी है, मुकरने नहीं दूंगा। अपना अपना नाम बताएं। शरद प्रताप सिंह, दिव्य कुमार सक्सेना, राहुल राजपूत। हाँ, क्या नाम है भैया? हर्ष कुमार। भैया हर्ष कुमार, बढ़िया मजा आया राइड लेके? मजा आया। अरे भैया खड़े हो गए यहाँ पे। और ये हमारे दो पुराने शख्स, एक नया शख्स हैं हमारे यहाँ पे। और सेटअप करते हुए जिंदगी में बस यही बाकी देखा था, एक गोप्रो है, आईफोन है और ये। अगर मैं उड़ा के ले जाऊँ जिंदगी मजा है। एक महीने है एथलीट हो। अरे यार यही नहीं चाहिए था बस। चेतन भाई आज सबसे पहले आए थे, तो कैसा लग रहा है चेतन? अच्छा लग रहा था, बिल्कुल बिना नहाए आए सबसे पहले। 6:30 बजे, 5:30 की राइड पे 6:30 बजे आया हूँ मैं। आपकी वजह से ये है जिम्मेदार इंसान जिसकी वजह से लेट हुए हैं आज हम। ये है जगह ₹10 की कुल्लड़ चाय, हम यही पियेंगे स्पेशल। दादी ले आ चाय बढ़िया से बनाते हैं। आज अगर किसी ने भी कुछ भी पूछा ना तो खाल उधड़वा के ना ढोलक बना देंगे और बजाएंगे बहुत जोर से। ये गिर गई, पहले यही वाली खाऊंगा मैं तो। अच्छे से करनी है, केक बिस्किट भी किटी की अनबॉक्सिंग करनी है। एक्सपायरी तो नहीं है पहले? वो एक्सपायरी नहीं है, वो खा के पता चल जाएगा। सलीके से खोला जा रहा है। आप बताएं साहब, बढ़िया एकदम सर। आपका रिव्यू 8 तरफ। शुक्रिया। अब आप तो लीजिए, चेयर्स करना पड़ेगा। कैसी लगी बिस्किट? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चाय कैसी है? बहुत अच्छी है। बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया एकदम। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन जिसका नाम है यूपी 22 वेज ढाबा। पढ़ के बता रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ बार बार। इसका मतलब तुमने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा। ये है बढ़िया सा रामपुर से जस्ट पहले हाईवे पे एक रेस्टोरेंट जिसको ढाबा का नाम दे दिया गया है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बहुत बढ़िया है, बाहर से बच्चे बहुत ज़्यादा आए हैं। रामपुर के, मुरादाबाद के, बरेली के आसपास के सब एरिया के राइडर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे ग्रुप गैंग अप हो रहा है। सब अपना अपना शो कर रहे हैं अपने अपने यूट्यूब इंस्टाग्राम के पेज के साथ। कुछ प्रोफेशनल हैं, कुछ निब्बा निब्बी हैं, सब लोग मिलके बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। नई वाली हंटर है 350, इसके साथ कुछ प्रोफेशनल बाइक्स हैं यहाँ पे। KTM की रेंजेस हैं, R15M है, हायाबुसा लगी हुई है ब्लू कलर की और CBR 1000 की यहाँ पे लगी हुई है। कि यार फाइनली यार देखो सब लोग भीड़ है, अपना तो काम ये है नहीं, अपना तो मोटो का कोई काम नहीं है, अपन तो बस पार्टनर बन गए हैं। और इसके बाद अपना मेन काम है खाना दिखाने का, तो अपन आ गए अपने कंटेंट दिखाने के लिए। चलो भाई भटूरे आ रहे हैं, शुरू हो गए हैं।
उनका नहीं है भटूरा। ये देखो सबके पास भटूरा आ गया है बेचारा मिलन। मिलन उधर देखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा अलग ही आएगा। दूसरे के भटूरों पे नजर नहीं डालें कोई भी, अपना ही अपना खाएं। खुशबू आ रही है प्रशांत भाई। मैं डोसा ट्राई करूंगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ डोसा, जिस बार मैं पहले कह दिया था इस बारे में इतने लंबा डोसा आएगा, उधर से शुरू करें इधर से ऑटोमेटिकली गायब। चलो भाई प्रॉपर तरीके से इसमें छोले भरना है। बिल्कुल बहुत मिर्ची का खाना है बाइट, सिंगल बाइट में। कुछ तो ब्रेकफास्ट छोड़ के क्या, बहुत अच्छा बहुत कुछ सीखा। सर ज़्यादा पर एक लॉन्ग राइड पे जो है बनाना चाहिए वो चीज़ हम धीमे धीमे सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस रहा है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट राइड है पड़ेगी जो एक बहुत बढ़िया यार। ओहो तुम्हारा कितना वेट किया मैंने, मजा आ गया। बताएं भाई छोले भटूरे कैसे हैं? क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। हाँ जी नए लोग सब्सक्राइबर्स, कैसा है भटूरा? प्रशांत भाई बेहतरीन। एक इंसान है जिसने भटूरा ना चुन के यन्ना रसगुल्ला चुना है। डोसा बताएं, बढ़िया एकदम। आपको रिव्यू देना बहुत ज़रूरी है, यहाँ का खाना सच में काफ़ी अच्छा था और प्रेजेंटेशन स्पीड भी काफ़ी अच्छी थी। 15 अगस्त की जिस तरह की भीड़ हमने यहाँ पे देखी उस हिसाब से काफ़ी मैनेज काफ़ी अच्छे तरीके से किया, काफ़ी स्पीड में खाना आ रहा था। साउथ इंडियन बनने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा था, वैसे नॉर्थ इंडियन डिशेस क्विक जा रही थी और कॉन्टीनेंटल में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, पर वैसे हमने खाए नहीं, लोगों का देखा तो हमें लगा। वैसे आप यहाँ आएंगे तो ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन फूड ज़्यादा पसंद किया जा रहा है यहाँ का। हमें छोले भटूरे बहुत ही अच्छे लगे, थम्स अप है पूरी तरीके से, स्पाइसी मसालेदार जैसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी सेम वैसे ही ऑर्डर करे वैसे ही मिले तो मैं खुश हूँ। ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।